की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बारे में आपने हजारों कहानियां सुनी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बर्फ से लदी ये चोटियां रात में डरावनी आवाजें निकालती हैं? आवाज इतनी तेज और भयानक कि इसे सैकड़ों किलोमीटर दूर से भी सुना जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एवरेस्ट की चोटियों पर 15 बार फतेह हासिल कर चुके डेव हैन ने सबसे पहले कहा था कि वहाँ रात में अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। उन्होंने कहा कि जब हम आराम से सो रहे थे तो घाटी में चारों तरफ बर्फ की चट्टाने गिरती हुई नजर आईं। ये आवाज इतनी भयानक होती है कि आपको नींद नहीं आ सकती। अब वैज्ञानिकों ने पहली बार इसका कारण ढूंढने का दावा किया है। ये जानकर आप ही हैरान रह जाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक वैज्ञानिकों का कहना है कि जब सूरज हिमालय पर डूबता है तो तापमान में तेजी से गिरावट आती है। इससे माउंट एवरेस्ट के आसपास के ग्लेशियर्स में हलचल मच जाती है। ऊंचाई वाले ग्लेशियर टूटने लगते हैं और उनके टूटने की भयानक आवाजें आती हैं। शोधकर्ताओं ने पाया कि ग्लेशियर की बर्फ टूटती है और तेजी से गिरने के कारण आवाज तेज और डरावनी हो जाती है, लेकिन ऐसा सिर्फ ऊंचाई वाले इलाकों में ही होता है। जापान की होकाइडो यूनिवर्सिटी के आर्कटिक रिसर्च सेंटर में काम करने वाले डॉक्टर पोडास्की ने कहा कि ये एक अद्भुत अनुभव था, क्योंकि वो लोग लगभग 29,000 फीट की ऊंचाई पर थे। वे एवरेस्ट की चोटियों पर रहते थे और वहीं खाना खाते थे। रात में जैसे ही वहां का तापमान लगभग -15 डिग्री सेल्सियस या 5 फ़ारेनहाइट तक गिर गया, चोटियों से तेज आवाजें सुनाई देने लगी। ग्लेशियोलॉजिस्ट एवेंगी पोडास्की के नेतृत्व में वैज्ञानिकों की एक टीम ने 2018 में ग्लेशियर की भूकंपीय गतिविधि का अध्ययन किया। 3 सप्ताह तक वैज्ञानिक इस हिमालयी क्षेत्र में कांपते रहे, वहां होने वाले बदलावों पर बारीकी से नजर रखे रहे, वहां से आ रही आवाजों को रिकॉर्ड किया। उन्होंने हर आवाज के बारे में अलग अलग जानने की कोशिश की। वहां से लौटने के बाद उन आवाजों का मिलान किया गया और भूकंपीय आंकड़ों की जांच से ये स्पष्ट हुआ कि तापमान में तेजी से गिरावट के कारण ऐसा होता है। टीम ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण धरती लगातार गर्म हो रही है और इसी का असर हमें यहाँ देखने को मिलता है। वैज्ञानिकों ने कहा कि जब सूरज हिमालय पर डूबता है तो तापमान में तेजी से गिरावट होती है, बर्फ टूटती है और डरावनी आवाजें निकलती हैं।